चलो पिंक वाला सूट लाके दो मामा को। इधर पिंक वाला लाओ। यस वेरी गुड। ब्लू भी ये तो लाओ। और रेड भी। यस ढूंढो रेड। वो भी रेड वाला रह गया। आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज क्या होने वाला है वीडियो में, शायद आपको पता लग गया होगा। लेकिन बेटा इधर मेरा काम नहीं है। अच्छा इसके लिए आपका काम नहीं है, ये किसका काम है? ये मम्मी को, मम्मी को जाके पानी ला के दिए बेटे। बेटे हाँ प्यास लगती है। ये नहीं बेटे, प्लीज पानी ला दो ना, आपकी मम्मा को पानी पिला। आज बर्थडे है, बर्थडे है मम्मी का। आज बर्थडे है, मम्मी अभी केक खाएगी। मिठाई बर्थडे है, मम्मी पिज्जा भी लेगी। पहले जाओ पानी लेके आओ मम्मा। एक चीज मुझे बतानी थी वीडियो में जो कि बहुत जरूरी। हाँ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स बंद कर दो मेरी। याद आ गया। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शैली पवार। आज की वीडियो इज लाइक मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी फ्रॉम चांदनी चौक। मैंने एथनिक वेयर में बहुत सारी शॉपिंग की है, जैसे कि अब फेस्टिवल आने वाले हैं, तीज आने वाली है, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, और मैंने इसलिए बहुत सारी शॉपिंग, मैं चांदनी चौक गई थी तो मुझे लगा लगे हाथ शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। मोस्टली वहाँ से ज़्यादातर मैंने, आपको पता है चांदनी चौक मार्केट फेमस किसके लिए है? एथनिक वेयर, साड़ी और लहंगास के लिए। लेकिन मैंने जो लिया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड हाँ एक और बात बतानी थी कि मैं वीडियोज़ अब ऑल्टरनेट डेज पर डालने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आज वीडियो अगर पोस्ट की है तो मैं एक दिन छोड़ के अगले दिन वीडियो पोस्ट करूँगी। सो हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो पोस्ट करेंगे। सो अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या शॉपिंग की है। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, मेरे पास ज़्यादा सूट नहीं थे घर में पहनने, लाइक सिंपल सूट मेरे पास कम है, तो इसलिए मैंने इस बार कुछ सिंपल सूट खरीदे हैं। और जो हैं वो बहुत हैवी हैं, वो हैं सिर्फ जो शादी वगैरह में पहन सकते हैं इस तरह के। तो मैं पहला जो सूट आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये, आप देख सकते हैं। सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टिच एक सूट है। इसकी यहाँ पर बॉर्डर कितना सुंदर है, ये बॉर्डर देख सकते हैं। ये नेक, ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही डिसेंट सा कलर है गर्मियों के हिसाब से, तो बहुत सुंदर सा बॉर्डर है, लेस का वर्क है इसके ऊपर, आई लाइक दिस। सो मैंने इसको बिना सोचे समझे खरीद लिया। साथ में इसके ये, इसके साथ ये है एक पैंट, आप देख सकते हैं। एंड ये दुपट्टा है, बड़ा ही सुंदर। लाइक इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ना नेट होता है ना, जैसे मच्छरदानी का कपड़ा होता है लाइक। सो फ्रेंड्स ये हो गया लाइट ब्लू कलर का।
ये कॉटन है, प्योर कॉटन, बहुत सुंदर सूट था, मुझे पसंद आया। मतलब आप लोगों को पसंद आया कि नहीं वो आप लोग बताएंगे, मुझे बहुत पसंद आया। सो ये दूसरा जो है ये है ब्लू कलर का, ये आप देख सकते हैं, ये है ब्लू। मैंने सब जानबूझ के कपड़े सिलवाना ना पड़े इसीलिए मैंने कुर्ती खरीदी है, और सिलवाना इज लाइक बहुत हैक्टिक हो जाता है, फिर टेलर को दो, फिर टेलर 5-10 दिन में सिलने के बाद वापस करेगा। सो ये आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स, ये बहुत ही सुंदर बॉर्डर है, और ये नेक पे हल्का सा, मतलब कोई छोटा मोटा बाहर जाना है आपको तो आप इसे पहन सकते हैं, घर में भी डेली वेयर भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा और कैजुअल सा सूट है। साथ में है कुलॉट्स, इसके साथ ये पैंट नहीं है, कुलॉट्स हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर है, लाइक दिस विद पॉकेट्स, दोनों साइड इसमें पॉकेट है, बहुत ही अच्छा सा बॉर्डर दिया गया है पैंट, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये फेस्टिवल्स के हिसाब से शॉपिंग कर। हाँ तो फ्रेंड्स आपको पता है टेलर के पास सिल के देने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि फेस्टिवल्स अब ये मानो कि स्टार्ट हो ही चुके हैं, लगभग तीज आएगी सबसे पहले, तो मेरे को सिलवाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, और यस मुझे ये बहुत पसंद आए तो मैंने फटाफट से खरीद लिए, और मुझे जितने भी मुझे अच्छे लगे मैं सब ले आई, और मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि अभी दिखा ही रही हूँ। तो ये था सेकंड, और हाँ मैंने इसी उसमें मतलब इसी पैटर्न पे एक सेम ये रेड कलर और खरीदी, मेरे को बहुत सुंदर लगा, और ज़्यादा महंगा नहीं, 1100 रुपये में मुझे ये सूट मिल गया, तो मैंने ये फटाफट से दो ले लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए। ओके नेक्स्ट इज दिस पिंक, पिंक कलर मैं पहन के बैठी हुई हूँ ऊपर से, मुझे मतलब पिंक कलर बहुत पसंद है, सभी लड़कियों को होता है ज़्यादातर, और ना भी हो तो भी पिंक कलर लड़कियों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि दिस वन इज लाइक कॉटन के सूट मैंने ज़्यादा लिए, मेरे पास कम थे घर में पहनने के, और थोड़ा बहुत इधर मतलब इधर उधर चले जाएँ उसके लिए मेरे पास सूट ज़्यादा नहीं थे, तो मैं इसलिए वो लेके आई हूँ। और यस ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें से निकला है मास्क, यस तो ये मास्क है, और ये है एक पिंक कलर का बहुत ही सुंदर सा सूट। तो ये जो है गाइज ये ए शेप में है, ये ऐसे सिंपल सूट नहीं है, ए शेप में है शायद, हाँ ए शेप में है, और सिंपल सा बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इस पर कोई खास वर्क नहीं है, ये प्रिंट है वाइट कलर का, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम बहुत सुंदर लगा था मुझे ये सूट, मुझे बड़ा ही क्लासी लगा, दैट्स वाई मैंने लिया। ये दुपट्टा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, कॉटन एकदम, कब मैं सोच रही हूँ, मैंने अभी तक ये पहने नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी सी फिटिंग करानी है, और ये इसकी पैंट है, यस इसमें भी, यस इसमें भी पॉकेट है। यार चांदनी चौक मार्केट इज लाइक वहाँ पर मेरे पास टाइम कम था, नहीं तो मैं और भी बहुत सारा सामान लेके आती, तो मैं जितना लेके आ पाई तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यस ये ब्यूटीफुल सा सूट है, पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा, आप वीडियो में देखेंगे ज़रूर जब पहनूंगी। तो यस एक ये है, तो हो गए टोटल 4 है ना, तो ये सूट मुझे लगभग 1395 1400 के आसपास मुझे सूट मिला है, तो यस ये मेरे काम आएगा घर में और बाहर भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो साड़ी वहाँ से लाई हूँ, साड़ी लाई हूँ स्पेशली फॉर तीज, ग्रीन कलर की, एंड मतलब और भी दिखाती हूँ, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले ये एक साड़ी आई हुई है, क्रेप इसका कपड़ा है, क्रेप में ये एक रेड ब्लाउज है, तो ये साड़ी जैसे मुझे दिखी ना मैंने फटाफट से जितनी मुझे वहाँ उस टाइम दुकान पर अवेलेबल थी ना उसमें 4 पीस दिखाए थे, मैंने ये 2 पीस, मुझे लगता है एक और है, देन इज दैट ओके एक ग्रीन कलर में है मेरे पास, हाँ 2 ये हैं देख सकते हैं ये है, तो मैं आपको एक साड़ी खोल के दिखाऊंगी, यस ग्रीन वाली। मैंने ये साड़ी ऑनलाइन भी बहुत देखी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई ऑनलाइन खरीदने की क्योंकि कपड़ा कैसा है नहीं पता चलता, सो मैं जब मैंने शॉप पे उस भैया ने मुझे ये दिखाई तो इसमें उन्होंने बोला ये क्रेप है, ये कपड़ा साटन नहीं है ये क्रेप है, अब देखिए कितनी सुंदर और मतलब कितना अच्छा ग्रीन कलर है, मैंने इस पर फॉल लगवाई है अभी, तो ये प्लेन साड़ी है और साथ में इसके ये वाले ब्लाउज हैं,
रेड कलर में है, लेकिन ये ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया है क्योंकि मेरे पास रेड ब्लाउज ऑलरेडी है। तो आपकी मर्जी है, आपको सिलवाना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और इसके साथ एक और चीज़ भी हो सकती है, हम लोग चाहे तो इस साड़ी पे, जैसे ये प्लेन है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कोई भी अच्छा सा बॉर्डर लेके अगर लगवाना है तो हम लगवा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर थे। मैंने इसमें लिए हैं दिस ग्रे कलर, एक ये फिरोजी कलर लिया मैंने, और एक ये ग्रीन कलर, और एक येलो भी लिया था, वो मेरी कजिन ने ले लिया तो उसको बहुत पसंद आया तो वो मैंने उसे दे दिया। उसने हमें चार साड़ी दिखाई थी, दुकान वाले ने हमें कहा कि फटाफट हमें ये साड़ी चाहिए, और यस क्वालिटी हम देख चुके थे, तो यस ये बहुत सुंदर है। ये है 850 रुपीज़ की मुझे मिली है, और हाँ बॉर्डर लगाना चाहेंगे तो आप लोग लगा सकते हैं। और यस मैं इस पर शायद इसे पहन के मैं तीज पे कोई वीडियो बनाऊँ, हो सकता है। तो यस ये बहुत सुंदर है और मैंने इसे तैयार भी करवा लिया है। ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी हैं, आप लोग अपनी मर्जी से इन पे ब्लाउज मैच कर सकते हैं, क्रॉप टॉप खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सुंदर है। मैं बाद में देखूंगी इनका क्या करना है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट मैं लेके आ गई। और ये बहुत प्यारा ग्रे कलर है, इसको कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। ये मुझे दिखी और मैंने फटाफट खरीद ली बिना एक सेकेंड किए। ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना साड़ियाँ, ये फिलहाल सुपर ट्रेंडी हैं, हर किसी की वार्डरोब में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों की मर्जी। यस तो एक और, जैसे मैंने ट्रेंडी की बात की है तो आजकल ट्रेंडी है ऑर्गेन्जा, ये एक साड़ी है ऑर्गेन्जा में, मैंने ये खरीदी है, मतलब ऑनलाइन भी मिल रही थी लेकिन मुझे मतलब क्वालिटी का लग रहा था यार, क्वालिटी है नहीं है क्या करना है, तो और हम चांदनी चौक पे गए हुए हैं तो क्यों ना साड़ियाँ देखी जाएँ, तो ऑर्गेन्जा मुझे वहाँ पर मिल गया, ईजीली मिल गया, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। सो यस दिस इज द साड़ी, लुक हाउ क्लासी दिस साड़ी इज, दिस इज अ साड़ी, यस वाओ बहुत सुंदर सा प्रिंट है, ये पहन के पता नहीं कैसी लगेगी, अभी बहुत सुंदर लग रही है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, फैशन में है आजकल, मुझे बहुत पसंद आया ये ऑर्गेन्जा। और इसमें लोग सूट भी स्टिच करा रहे हैं, ये कपड़ा भी मतलब फैब्रिक भी मिल रहा है मार्केट में, आप चाहे तो ले सकते हैं। एंड ये इसका ब्लाउज है पिंक कलर में, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है मैं इसको कैसे पहनूंगी, हाँ लेकिन ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है अभी तक मैंने जितनी भी खरीदी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और साड़ी है जो कि ऑल्सो ट्रेंडी, एंड यू ऑल नो वो भी साड़ी मतलब एकदम सुपर ट्रेंडी है, वो मैं तैयार करा चुकी हूँ, ब्लाउज सिलवा चुकी हूँ, मतलब मैं दिखाती हूँ। ये ब्लैक कलर की सीक्वेंस में है, मैंने ये बर्थडे के लिए तैयार कराई थी साड़ी, बट हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया ऋषिकेश जाने का, तो मेरे को लगा कि कुछ और पहन लेते हैं, और ये साड़ी नहीं तो मैं बर्थडे पे आपको ज़रूर पहन के दिखाती, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगी ये साड़ी का लुक कैसा लगेगा विद ज्वेलरी एंड विद एवरीथिंग, जब हम फर्स्ट पूरा लुक क्रिएट करते हैं तभी मज़ा आता है साड़ी का। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक साड़ी है, सीक्वेंस में है, आप देखिए ब्लाउज को आप गौर से देखिए, यही प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, इसी तरह से सीक्वेंस, ये है प्योर ब्लैक साड़ी, पूरी पे ऐसे ही पूरा वर्क है, इसी तरह का वर्क है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी फिनिश है इस साड़ी की, फिनिशिंग देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी है, आई लाइक दिस साड़ी, एक्चुअली आई लव दिस साड़ी। तो यस ये है ब्लैक कलर की, सो ये भी ट्रेंडी है साड़ी, सीक्वेंस का काम भी आजकल बहुत चल रहा है, तो ये जो है ज़्यादा महंगी नहीं है साड़ियाँ, बहुत ही सिंपल। तो यस ये था मेरा मतलब एथनिक कलेक्शन जो मैं चांदनी चौक से लेके आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा कि आप लोग क्या खरीद सकते हैं या क्या नहीं। साड़ी सिर्फ साड़ी ही नहीं, मतलब चांदनी चौक पे इतना कुछ था, मेरे को ज्वेलरी भी जो पसंद आई मतलब मैंने फटाफट बहुत सारी मतलब ज्वेलरी मैं वहाँ से लेके आई हूँ, मुझे जो पसंद आई मतलब वो, और यस थोड़ा सा मतलब बजट फ्रेंडली ज्वेलरी, ऐसे नहीं मैंने बहुत ज़्यादा पैसे और खर्च किए हैं, ऐसा नहीं, बजट फ्रेंडली है सब। सो यस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साड़ी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यस मैं अपने ज्वेलरी का कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी अगर आप कहेंगे तो। एंड यस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।